दहेज की मांग पूरी नहीं होने से नाराज वर पक्ष के लोगों ने शादी से किया इनकार, देखिए पूरी रिपोर्ट। विज्ञान के हाईटेक युग में आज व्यक्ति चांद सितारों तक पहुंच गया है। हालांकि अभी भी दकियानुसी बातें और परंपराएं जीवित है। कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के कोशाबा जनपद में भी दिखा। दहेज की खातिर एक शादी टूट गई। बात सिर्फ इतनी सी थी कि सब कुछ तय होने के बाद इंगेजमेंट कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। इसके बाद वर पक्ष की ओर से ऐसी बेतु की मांग की गई कि दोनों के रिश्ते में खटास उत्पन्न हो गई। कन्या पक्ष ने वर पक्ष को सबक सिखाने के लिए एक कदम उठा लिया। करारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति खेती किसानी करते थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी करीब साल भर पहले चरवा थाना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के बेटे से तय की थी। बताया कि सगाई में 10,000 रूपए और परीक्षा में 50,000 रूपए दहेज के रूप में दिया गया है। इसके बाद गोद भराई की रस्म के समय ही शादी की तारीख सुनिश्चित करने की बात कही। इसके बाद वर और वधु मोबाइल पे बात के जरिए आपस में बात करने लगे। वधु के पिता का आरोप है कि वर पक्ष के लोगों ने इसी बीच अचानक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग रखी। इस मांग को पूरा करने में उन्होंने असमर्थता जताई। दहेज की मांग पूरी नहीं होने से नाराज वर पक्ष के लोगों ने शादी से इनकार कर दिया। इसी बात की जानकारी जब कन्या पक्ष के लोगों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दहेज की मांग से आहत वधु के पिता ने पुलिस थाने का सहारा लिया। उन्होंने चरवा पुलिस को तहरीर देकर इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। कन्या के पिता की तहरीर पर पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। पुलिस ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। फिलहाल ये प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही दहेज लोभियों के इस कृत्य की हर कोई निंदा भी की जा रही है।